आप सभी का मेरे YouTube चैनल फाइन आर्ट वाला में स्वागत है। तो आज मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय फैकल्टी या विजुअल आर्ट में इस टाइम मौजूद हैं। तो आज देखेंगे हम लोग कि इस दृश्य कला संकाय में कैसे काम करते हैं स्टूडेंट और क्या फैसिलिटी है यहाँ की। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के बारे में। तो इस फैकल्टी में कितने डिपार्टमेंट हैं, तो चलिए इस अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में हम बताएंगे और कैसे बच्चे यहाँ पे काम करते हैं। तो ये आपका दृश्य कला संकाय विजुअल आर्ट फैकल्टी का ये लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में बहुत से आर्टिस्टों का जो है कि बुक रखा हुआ है, बहुत से स्कल्पचर के बारे में जो भी बुकें हैं इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो आप एडमिशन के बाद इसमें एंट्री कर सकते हैं और लाइब्रेरी का पूरा एंजॉय ले सकते हैं। तो जैसा कि हम BFA स्कल्पचर क्लास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक स्टूडेंट मिले हैं जो कि अभी आर्ट वर्क कर रहे हैं अपना। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी है आपकी क्लास और यहाँ एडमिशन लेके आपको कैसा लग रहा है। मुझे एडमिशन लेकर बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बात मैं बता दूं, और क्लास बहुत अच्छी चलती है। मैं इस समय स्कल्पचर की क्लास कर रहा हूं जो कि मेरा मॉडल स्टडी चल रहा है, जो मतलब एंटी स्टडी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि मैं मतलब इंडियन जो ईश्वर हैं गणेश जी को लेकर के मैं बना रहा हूँ, और इस समय जो मेरे फैकल्टी में सारे लोग काम कर रहे हैं। तो अब बाकी लोगों का काम कंप्लीट हो गया है, कुछ लोग अपने लंच के लिए गए हैं। तो देख सकते हैं कि इतना अच्छे से काम हो रहा है, और हमारे साथ फॉरेनर भी हैं, हमारे सर भी देख रहे हैं इस समय, ध्यान दे रहे हैं। तो हमको आएंगे तो इसमें जो कमी होगा वो बताएंगे, और काम बहुत अच्छा कराया जाता है यहाँ पर, कोई भी काम हो बहुत अच्छा होता है। अब मैं बता दूँ कि विजुअल आर्ट्स का मुझे पढ़ाई बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा अभी फर्स्ट ईयर है और मैं मतलब NTA के थ्रू एग्ज़ाम दे करके CUET के अंतर्गत आया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, थैंक यू सो मच। का जो है कि क्लासेस यहाँ पे स्टूडेंट जो है कि अपना एग्जीबिशन लगा रहे हैं अभी फ़िलहाल। अरेंज पूरी तरह ये अरेंज नहीं किया गया है, जैसा कि अभी पूरा आर्ट वर्क बिखरा हुआ है। तो ये लोग अभी सब मतलब एक ढंग से सुसज्जित कर रहे हैं और इन लोगों का एग्जीबिशन कल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा कैसा आर्ट वर्क यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे जब फैकल्टी या विजुअल आर्ट में जब हम आए, तो यहाँ पे जो है कि पोट्री सिरेमिक का फोर्थ ईयर के स्टूडेंटों का यहाँ पे काम लगा हुआ था। तो जैसे कि मैं यहाँ पे
जो भी पूछूंगा यहाँ के स्टूडेंट से, वो बताएंगे कि आपने जो भी किया ये आर्ट वर्क, इसके बारे में जो भी आपको जानकारी है उसको बताइए। ये सेरेमिक पॉट है, स्टोनवेयर में हमने काम किया है। इस पर हम पहले तो एक मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद व्हील, इलेक्ट्रिक व्हील पे हम लोग ऐसे थ्रोइंग करके बनाते हैं पॉट किसी भी डिज़ाइन को करके, उसके बाद भाई। तो जो ये आपने बनाया इस पॉट पे ब्लैक डिज़ाइन, इस कैसे बनाइए? कुछ हम लोग पहले डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन पास कराते हैं, उसके बाद डिज़ाइन अच्छी लगी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, फिर हमने इसको बनाया इंगोब। ये नॉर्मल कलर से नहीं बनता, ये इंगोब होता है, कुछ क्ले ऑक्साइड से मिलाकर ऐसे बनाते हैं, फिर इस पर ग्लेज करते हैं कि एक शाइनिंग आए, मतलब एक जो कांच का लेयर होता है ग्लेज, उसी को बोलते हैं। तो ये है, शाइन कर रहा है, ये ग्लेज होता है। उसके बाद इसको हम लोग पकाते हैं किसी भी फर्नेस में, तो हम लोग वुड फायरिंग करते हैं, तो वुड फायरिंग करने के बाद 1250 टेम्परेचर चाहिए होता है, हाँ 1250 टेम्परेचर पर हम लोग इसको पकाते हैं, उसके बाद एक दो दिन बाद हम लोग ओपन करते हैं फर्नेस, तो फिर काम हमारा निकल गया। यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उनका आर्ट वर्क देखेंगे और आर्ट वर्क के बारे में जो है कि ये बताएंगे कि आपने ये जो प्लेट बनाया है कैसे बनाया आपने। बेसिकली जो व्हील होता है इलेक्ट्रिक व्हील, उस पर हम लोग थ्रोइंग करते हैं और प्लेट का शेप देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम लोग ये जैसे ये हम लोग पीछे से इसको ट्रिम करते हैं, ठीक है। अगर एक बार इवनली ट्रिम हो जाता है, गीले पे ट्रिम करते हैं, ठीक है। फिर इस पर हम लोग गीले पे ही मिट्टी से ऐड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूरल। लोग मिट्टी से, हाँ कोई भी फिश आप लेआउट बना लीजिए, उसको आप ऐड करेंगे, एंड फिर उसके बाद इस पर ग्लेज अप्लाई करते हैं। दो तरीका होता है इसको फायर करने का, बट जो मैंने किया है वो मैं बता रही हूँ। एक होता है बिस्क फायरिंग, उसमें हाफ फायरिंग करते हैं, पहले इसको बिस्किटिंग करते हैं, एक बार फायरिंग करने के बाद दूसरा फिर ग्लेजिंग करते हैं, फिर फायरिंग करते हैं। बट इसमें मैंने डायरेक्ट ही एक ही बार फायरिंग किया है, इसमें ग्लेज दिया है, तो ये जो ग्लेज है ये ब्लू ग्लेज है। ये कैसे आप, ये ब्लू कलर ये ऑक्साइड होता है, ये कोबाल्ट ऑक्साइड है, तो मैंने इसमें करके इसको पोछ दिया था, इसमें नहीं किया था, फिर फायरिंग के बाद ये ऐसा रिजल्ट आता है। ये जो कलर स्पॉट पे दिख रहा है, ये कलर, ये कैसे कलर आया? ये भी ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, हाँ ये भी ऑक्साइड पहले क्या रहता है, यानी कि ग्लेज के साथ मिला के। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, आर्ट वर्क लगा हुआ है, तो जिनका आर्ट वर्क है उनसे हम पूछेंगे कि आपने जो भी बनाया है किस मीडियम में बनाया है, कैसे ये जो डिजाइन है कैसे बनाई आपने? ये मीडियम स्टोन वेयर है और ये डिज़ाइन हम लोग ने इंगोब से किया है और इस पर ग्लेज चढ़ाया हुआ है। ये जो बनाया, ये कैसे बनाया आपने जो पेड़ है? ये हाथ से वो मॉडलिंग की है इसकी। ये जो पार्ट है थोड़ा सा थ्रोइंग किया था, छोटा सा पॉट बनाया था, उस पर चिपका चिपका के मॉडलिंग करके। ये जो कलर है दिख रहा है, ये कैसे बनाया? या तो ये ग्लेज है। अच्छा ग्लेज है, ये पहले किया जाता है ना, उसके बाद? हाँ पहले ग्लेज किया जाता है, फिर फायरिंग की जाती है। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कोई जूनियर बनना सीखना चाहे कि पोट्री क्या है, तो बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे इसकी शुरुआत होती है, मतलब बनाना है अगर किसी को बनाना है इसको, तो कैसे बेसिक चीज़ क्या है? सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, हाँ। उसके बाद से उसके नीडिंग होती है, फिर व्हील पे उसको थ्रोइंग करना होता है। ये जो आपका ये टेक्सचर है कैसे बनाया आपने? ये वैक्स डिज़ाइन किए हैं, ये वैक्स डिज़ाइन है, और फिर वैक्स डिज़ाइन का ग्लेज अप्लाई किए हैं उसके ऊपर, टोमैको ग्लेज। और ये जो कलर ये बनाया, ये जो कलर है ये कैसे पकाने के बाद या पकाने से पहले? पहले तो हम लोग पॉट को बनाए, पॉट बनाने के बाद सूखने के बाद फिर उसको ट्रिम किए, हाँ। ट्रिम करने के बाद जब वो ड्राई हो गया तो फिर हम लोग उस पर इंगोब लगाए हैं, इंगोब ऑक्साइड और रेड क्ले वगैरह मिला के बनाया जाता है, तो ब्लैक इंगोब से डिज़ाइन किए ब्रश से, फिर जब वो ड्राई हो गया एक दो दिन बाद फिर हम लोग उस पर ग्लेज अप्लाई किए, ट्रांसपेरेंट ग्लेज। और ये जो बनाया पॉट व्हील पे ही बनाया जाता है? ये हाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हील पे ही बनाया। अच्छा, ये जो पॉटरी सिरेमिक है, आप सेकेंड ईयर में इसमें क्या क्या होता है, इसको सेकेंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट होता है पॉटरी में भी? कोई सेकेंड ईयर में भी रेड क्ले में काम किया जाता है, पहले तो हम लोग किक व्हील पे काम करते थे, सेकेंड ईयर के बच्चे किक व्हील पे काम करते, थर्ड ईयर पे आने के बाद जब स्टोन वेयर में आ जाते हैं तब वो लोग इलेक्ट्रिक व्हील मिलता है, लेकिन अभी स्टूडियो नहीं है हम लोगों के पास, स्टूडियो बन रहा है, तो हम लोगों को सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हील पे ही काम कर रहे हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सभी लोग, सेकेंड ईयर वगैरह सब लोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है कि स्टूडेंट है उनका काम देखेंगे और ये बताएंगे अपने काम के बारे में, कैसे इन्होंने काम किया,
तो आप लोग इनसे जान सकते हैं। मेरा नाम अंशुमन श्रीवास्तव है, मैं यहाँ लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा काम ये स्टोनवेयर का काम है, कुछ राखू का वर्क है, जैसे देखिए राखू का वर्क है, स्टोनवेयर है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग कामें हैं। जैसे ये टेस्टिंग पीस है हमारी, जैसे ये इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद कि कैसा कलर आएगा, फिर देन पॉट पे अप्लाई होता है, फिर वो नए नए रिजल्ट आते हैं, नए नए चीज़ें, नए नए वो। ये जो प्लेट में आपने टेक्सचर बनाया जो वो भी अलग अलग ग्लेज है, अलग अलग ग्लेज का एक्सपेरिमेंट किया मैंने, फिर कौन सा कलर कौन सा देता है, फिर मैंने देन ब्रश से अप्लाई किया। और इन्होंने बहुत बड़ा पॉट बनाया है, हमारा संघ का काम है। अगर कोई आपसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कुछ जानना चाहे तो क्या बता सकते हैं पॉटरी के बारे में, कैसे काम किया जाता है? इसमें स्कोप क्या है? इसमें काफ़ी स्कोप है आपकी पॉटरी में। कैसे काम किया जाता है इसमें? शुरू में आपको टेराकोटा में काम किया जाता है, जैसे कि हैंडलिंग होने के लिए स्टोनवेयर थोड़ी सी टफ डिफिकल्ट है। हाँ। टेराकोटा में काम करने के बाद फिर आपको थर्ड ईयर में आएंगे तो स्टोनवेयर मिलेगी, फिर उसमें पकड़ होती है जैसे जैसे, फिर ग्लेज अप्लाई, फिर देन अलग अलग चीज़ें बढ़ती जाएगी। हाँ। फिर वो जैसे थ्रोइंग हुआ, शेप मेकिंग हुआ, फायरिंग हुआ, ये अलग अलग प्रोसेस होंगे, ये सब इसमें चलते हैं। ये जो टेक्सचर आया हुआ है इस पे, हाँ, इस स्पॉट पे, ये कैसे बनता है? ये हाँ, इसका पहले हमने वो टेस्ट किया कि कैसा रिजल्ट आएगा। ये लेदर ब्राउन इसका मैंने टेस्ट किया कि कैसे लेदर ब्राउन का होता है। लेदर ब्राउन इसमें है, ये इसको मैंने अप्लाई किया, फिर उस पर अप्लाई किया, पहले इस पर टेस्ट कर लिया कि कैसा रिजल्ट आएगा, फिर मैं उस पर, क्योंकि फिर पॉट ख़राब हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, फिर ऐसा किया तो कहीं कहीं लेदर ब्राउन जैसे होते हैं वैसा इफेक्ट आ गया। काफ़ी आपका बहुत अच्छा वर्क है। हाँ, थैंक यू सो मच। पूरा बहुत अच्छा आपने वर्क किया है, जो भी किया। ये सबसे अच्छा आपका लग रही है पॉट। हाँ, ये टेक्सचर कैसे बनाया आपने? ये इंगोब है, एक तरह से कलर स्लिप जिसे बोला जाता है। पहले पॉट बना लेते हैं, सूख जाता है, फिर उसके ऊपर इंगोब से पेंसिल से ड्राइंग करो, फिर इस ब्रश से इंगोब का अप्लाई करो, फिर इस पर ग्लेज लगाओ, फिर ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लेज आता है, फिर ये भट्टी में जाके फिर ये हाईलाइट हो जाता है। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर है यहाँ पे रेड भी हो सकता है? हाँ, हर कलर का, रेड ब्लू, हर सबका अलग अलग वो है। तो बहुत अच्छा आपसे जो जानकारी मिली, जो कि जूनियर को बहुत हेल्प मिलेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।